डिपार्टमेंट ने ITR 2 भी लॉन्च कर दिया है। आज मैं इस फॉर्म को लाइव फाइल करना आपको बताऊंगा सो दैट कि आप खुद आसानी से अपनी रिटर्न फाइल कर सकें और अपने पैसे बचा सकें। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप देखिएगा, तभी आप खुद अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। फॉर्म थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, और आपको इस फॉर्म को फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, मैं और मेरी टीम आपको फास्ट रिप्लाई करेगी। अब शुरू करते हैं। तो गाइज, ITR 2 फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है। फिर वह इंडिविजुअल चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, यानी एक फॉरनर भी ITR 2 के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता है। ITR 2 में ऐसे लोग जिनकी बिजनेस के अलावा किसी भी सोर्स से इनकम हो, वे सभी लोग इस फॉर्म में अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को सैलरी या पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा, इन सब से इनकम होती है, उन सभी लोगों के लिए ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल है। अब इस फॉर्म को लाइव फिल करने के लिए स्क्रीन पर चलते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम रिटर्न फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग का है और मेरे सारे वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट ओपन करेंगे, incometax.gov.in। इसमें डाउनलोड सेक्शन के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ITR 2 का ऑप्शन दिखाई देता है, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यह एक जिप फाइल होती है, जिप फाइल के अंदर हमें ये ITR 2 फॉर्म होता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये फॉर्म इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे नेम, एड्रेस, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीज़ें। ये यानी पहला पेज आपका जनरल फॉर्म है जिसके अंदर आपकी KYC डिटेल जाती है। सेकंड आपका पेज है इसके अंदर जिसमें आपकी सैलरी की डिटेल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दो एम्प्लॉयर का ऑप्शन ओपन किया हुआ है, ये एम्प्लॉयर 1 के लिए है, एम्प्लॉयर 2 के लिए है। बेसिकली क्या है कि अगर एक साल के अंदर किसी ने अपनी जॉब स्विच की है तो उसको दो एम्प्लॉयर से सैलरी मिलेगी, वो सारा डाटा यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज आता है हाउस प्रॉपर्टी का, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम आती है तो आप उसको इस पेज के अंदर फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यहाँ कैपिटल गेन से इनकम आएगी, कैपिटल गेन आपको कहीं से भी हो सकता है, शेयर से हो सकता है, प्रॉपर्टी से, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, कहीं से भी हो सकता है ये। नेक्स्ट पे हम देखेंगे यहाँ पे शेयर की सेल परचेज से जो आपको इनकम आएगी उसका डाटा यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो इनकम है वो सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग से आएगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर इनकम होती है तो वह बिजनेस इनकम काउंट होती है, वह ITR 3 के अंदर जाती है। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी आपकी बैंक में इंटरेस्ट से इनकम आती है, कोई शेयर डिविडेंड आता है या फिर फैमिली पेंशन से इनकम आती है, ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर काउंट होते हैं। और यहाँ पर आपकी डिडक्शंस जैसे कि सेक्शन 80G की डिडक्शन, 80D यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन, 80GGA, यहाँ पर भी आप देखेंगे डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेशन दी है तो वो सेक्शन 80GGA के अंदर कवर होती है। और यहाँ पर चैप्टर 6A की डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, यानी इसमें और भी काफ़ी सारे सेक्शन हैं जिनके डिडक्शन हम क्लेम करेंगे, जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 1B यानी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, ये सारा डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करेंगे हम लोग। सेक्शन 80E के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इस तरीके से सारी डिडक्शन, 80TA, TB, बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कि जैसे मैंने आपको यहाँ फर्स्ट पेज के ऊपर बताया था कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे। चैप्टर 6A के डिडक्शन के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स वाला एक पेज ओपन होगा, तो अगर हमारी कोई टैक्स की लाइबिलिटी है उसको पेड करने के लिए जो हमने इनकम टैक्स चालान के थ्रू पेमेंट की है वो सारा डाटा यहाँ पे फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जनरेट JSON फाइल पे क्लिक करेंगे, हमारी इस रिटर्न फॉर्म के अंदर कुछ कमी है या कुछ डेटा हमारे मिस हो गया है तो उस डेटा को हम यहाँ पे फिल करेंगे और इस फॉर्म से JSON फाइल को जनरेट करेंगे, उस JSON फाइल को इनकम टैक्स साइट के ऊपर जाके अपलोड करेंगे और अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस रिटर्न फाइलिंग का। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।